हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो को दो पार्ट में शूट करना है। वीडियो शूट कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह से वीडियो एक शूट कर लेना है और बैकग्राउंड भी नॉर्मल ही आपको होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो जो शूट करेंगे कुछ इस टाइप के वीडियो शूट कर लेना है। तो दो पार्ट में वीडियो शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनवास्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस तरह के वीडियो कैसे आपको एडिट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने यहाँ पे जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को एक बार में ही शूट कर लिया हूँ, तो आप एक बार में भी शूट कर सकते हैं या फिर दो पार्ट में अलग अलग भी शूट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो को आपको देख लेना है कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं फर्स्ट वाले वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया, नॉर्मल मैंने कपड़ा पहन रखा हो, तो इस तरह से आपको फर्स्ट वाले वीडियो नॉर्मल आपको शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे क्योंकि वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, अब जैसे कि देख सकते हैं हम हाथ उठाता हूँ और यहाँ पर हम कैमरा के ऊपर लेकर जाता हूँ, तो सिर्फ यही तक का आपको पार्ट चाहिए, बैक करने का सीन आपको नहीं चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे, सिंपल। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे और कुछ इस तरह से मैंने वीडियो को शूट किया था, तो आपको भी शूट कर लेना है। और सेकेंड वाले वीडियो जो हम लेने, जैसे कि हम बैक करके लेते हैं, तो सिंपल यहाँ तक मैंने पार्ट शूट किया गया हुआ था। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, तो वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट वाले कुछ इस। अब बैक जैसे ही लेंगे तो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन भी दे सकते हैं, तो वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया था। इसके बाद लास्ट का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव करते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंचे के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ जो है आपका, हाथ में जैसे कि लग रहा है आपको किसी को मारे हो तो आपको हाथ में दर्द कर रहा है, तो यहाँ पर स्लो मो करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंचे के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो का आई तक प्ले कराएंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंचे के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो को आपको स्लो मो करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 तक कर देते हैं, तो वीडियो आपको यहाँ पे स्लो मो हो जाएगा। देख सकते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो मो हो चुका है। तो इस तरह से आपको इस टाइप का वीडियो आपको शूट करना है, अलग अलग पार्ट में या फिर एक साथ भी शूट कर सकते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। कैंचे के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक आइडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट वाले वीडियो आपको हो चुका है देखते, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं साउंड आपका मैच नहीं होता, अब बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसके बाद जो भी तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।